क्या करता है जी, पागल हो गया तू? मोदी जी का हम भगवान मानते हैं, मोदी जी को मोदी जी को भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं मोदी जी को। गलती क्या हो गई? पागल तुम, बच्चे हो तुम, नंगा फूल डालते हो, पास करोगे मोदी जी को? हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं है, याद रखना, मानसिकता अपनी चेंज करो। आजकल सोशल मीडिया पे कैसा माहौल छा गया है कि कभी कोई किसी के धर्म के बारे में, कोई किसी नेता के बारे में, तो कभी किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें करता है ताकि चीप पब्लिसिटी कमाई जाए। ऐसे एक वाक्य बिहार के छपरा इलाके से है, जहाँ पे एक MBBS डॉक्टर ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक पेज पे PM मोदी की एक नग्न तस्वीर डाली, जिसके बाद वहाँ की पब्लिक ने काफ़ी रोष जताया, पुलिस में भी कंप्लेंट करी जो सुनने में आ रहा है, लेकिन पुलिस ने 2-3 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जन आक्रोश के इस तरीके से डॉक्टर के पास पहुंच गया कार्रवाई का जवाब करने के लिए, देखेगा इस वीडियो में। क्या करता है जी, पागल हो गया तू? मोदी जी का हम भगवान मानते हैं, मोदी जी को भगवान मानते हैं, भगवान मानते हैं मोदी जी को। गलती क्या हो गई? पागल तुम, बच्चे हो तुम, नंगा फूल डालते हो, पास करोगे मोदी जी को? मोदी जी को पास करोगे? काट के फेंकने के सारे लोग पब्लिक, मोदी जी को भगवान मानते हैं हम लोग, झूठ मत बोलो। बच्चे डालते हैं, बच्चे पहले भी डालो, तुम पहले भी डाले हो, झूठ मत बोल, सच बोल। ऐसा नहीं डाले, पहले भी उनका विरोध डाले हो, विरोध करने का तरीका होता है, कोई नेता पसंद नहीं है तो उसका तरीका होता है। हमें भी लालू जी पसंद नहीं है, हमें भी सोनिया पसंद नहीं है, हम भी विरोध करते हैं तो तरीके से विरोध करते हैं। कि तुम नंग दलंग फोटो डालोगे? हिंदुस्तान है पाकिस्तान नहीं है, याद रखना, मानसिकता अपनी चेंज करो, या बीमार मानसिकता खत्म करो अपना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम हमारे दोस्त बन के रहोगे तब तो रहोगे हिंदुस्तान में। मोदी जी का नंगा फोटो बांस पे टांगा गया है, मेरा जो है डाला हो नहीं है। आप विरोध कीजिए, हम मना नहीं करते आपको विरोध करने से। हेलो बहनो, नो 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 नो, हेलो बहनो, लेकिन एक तरीका होना चाहिए विरोध करने का। ऐसी बात नहीं, वो गलती बच्चा लोग किया है, बच्चा लोग चला है, फिर बच्चे का नाम खराब मत करो, यानी बच्चा और चढ़ीला होगा, वो तो आतंकवादी होकर का देश का आतंकवादी बनेगा, वो तो अभी से जब उतना झाड़ू गल रहा, तो ये गलती नहीं है, जानबूझ के साजिश है, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ये साजिश है। फिर बोल रहा हूं मैं तो, चलो ये बहुत बड़ा पाप है, हमारे लिए पाप है, ये गलती नहीं हो सकता। हम सारे मुस्लिम भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कौन जो देश प्रेमी है? अगर कोई अवार्ड बांट रहा हो तो इसको परम भक्त ऑफ मोदी का अवार्ड मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँ कि हमारे देश की जनता सोती रहती है जब उनकी आंखों के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही देश की आन बान शान, नेशनल एम्बलम्स का, नेशनल फ्लैग का, आर्म फोर्सेस का, पैरामिलिट्रीज का अपमान किया जाता है, तो ये सब लोग सो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही पर्सनली किसी के ऊपर हमला होता है तो सब लोग आगे बढ़ के आ जाते हैं। ये मैं इस टॉपिक से जोड़ के नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरली कह रहा हूँ। तो जागो हिंदुस्तान, जहाँ पे गलत हो रहा आवाज़ उठाओ, अगर आप आज सोते रहे तो आने वाली पीढ़ियाँ कभी नहीं जागेंगी। थैंक यू सो मच, यू आर वॉचिंग योर ओन चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। टेक केयर फॉर सेल्फ।